तो सर यूट्यूब ने आपकी जिंदगी कैसे चेंज की, थोड़ा बताएं। YouTube तो एक मेजर पार्ट था, क्योंकि अगर मैं करियर वाइज देखूँ तो YouTube नहीं होता तो मैं शायद पता नहीं क्या करता रहता, या किसी, मेरे को लगता है कि मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता रहता, ठीक है, क्योंकि मेरा सेकेंडरी हॉबी तो टीचिंग ही था और वही चीज मैंने YouTube में आके की थी। तो कहीं एक 300 लोगों को पढ़ाता रहता या 500 लोगों को पढ़ाता रहता, आज फिर उसके बाद मैंने लाखों लोगों को पढ़ाया YouTube के थ्रू। तो YouTube तो बहुत बड़ा पार्ट था, वहां से ही मेरी ऑनलाइन की जर्नी स्टार्ट हुई थी जो आज तक कायम है। तो 2015 के मिड में, जुलाई में मैंने स्टार्ट की थी, और अभी मेरे ख्याल से 21 मई है आज का डेट जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो जो 5 साल का, 6 साल का जो पीरियड है, ठीक है, 6 साल का जो यूट्यूब का जर्नी है, उसमें मैंने लोगों को बर्बाद होते, लोगों को बड़ा बनाते, मैक्सिमम लोगों को बड़ा बनाते, मैं बोलूंगा तो उस समय जो लोग मैक्सिमम लोगों ने यूट्यूब में बड़ा बनाया है, जो उस समय से अभी तक कंसिस्टेंट रहे हैं, मैं तो कंसिस्टेंट नहीं था उस टाइम तक, चीजें बहुत स्विच किया मैं यूट्यूब पे, बट मैंने स्मॉल 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 सक्सेस देखा मैंने। क्योंकि आज मेरे यहाँ, मैं अगर आपको दिखा दूंगा फोटोज, मैं दे भेज दूंगा, आप लगा देना स्क्रीन पे, जरूर जरूर, मैंने मेरे पास दो अभी सिल्वर बटन है, ठीक क्या बात है, एक यूट्यूबर की निशानी मेरे पास है। तो है। यूट्यूब का तो बहुत बड़ा रोल है, और इस बार गोल्डन बटन लेके आऊंगा अरे जब क्या, अपन शायद आपके चैनल पे, जब हम लोग दोबारा से 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद हम इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि अब मुझे सही अप्रोच, सही डिसिप्लिन, सारा चीज पता है। तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी, क्योंकि देखो अभी पॉजिटिव हूँ कि जल्दी पहुंचूंगा उस लेवल तक, तो गोल्डन प्ले बटन चाहिए रहेगा। कई लोगों के चेहरे पर तमाशा मारना बचा हुआ है, तो अब वो करेंगे, वो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है बट जरूरी है। देखो एक इंटेंशन, मतलब इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। अभी भी मेरा जितने लोगों से, जितने साथ मैंने काम किया ना, भले उनके साथ रिलेशन कुछ भी रहे, बट अभी सारे लोग मेरे कहीं ना कहीं दोस्त है, सबसे बातचीत होता है, उनके लिए क्या फील, मेरे लिए, मेरे इनसे तो उनके लिए फीलिंग पूरा पॉजिटिव हमेशा। मैं खुद हमेशा कभी भी उनसे गलत तरीके से बात नहीं करता, किसी से भी नहीं करता। तो अब लेकिन ये है कि कुछ लोग, जैसे जो मेरे 5 साल के जर्नी में बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि यूट्यूब के फील्ड में तू बड़ा नहीं कर पाएगा, तो वो एक, अब जब वेल्थ आ गया है ना, क्योंकि मैं चाहता तो इस चीज़ पे फोकस कर सकता था, लेकिन ये चीज़ बिना वेल्थ का नहीं हो पाता। क्योंकि जब दिमाग फ्रस्ट्रेट होता है ना, जब यहाँ पे चीजें बेकार चलती रहती है, तो अपने को एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने वेल्थ पे फोकस किया, तो जब आप आज, जब वेल्थ आ गया, जब फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हूँ, तो मैं अब ये चीज भी अचीव करूंगा। और ये क्योंकि हाँ, कई लोग का अभी तो, मैं कई लोगों को मैं वो कर चुका हूँ कि जो लोग ये बोलते थे कि तू फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाएगा क्योंकि तेरा वो सारी चीजें हैं, तो वो तो अब वो चीज वो लोग, अब मेरा ऐसा है कि वो लोग सामने से कॉल करते हैं और मेरे पास टाइम नहीं रहता तो मैं उनका कॉल नहीं अटेंड कर पाता हूँ, ठीक है, जबकि मैं पहले उनका कॉल आता था तो सबसे पहले मैं ही उठाता था। लेकिन अब ऐसा समय है कि वो कॉल करते हैं और मेरे पास टाइम नहीं रहता उनका कॉल उठाने के लिए, तो